नमस्ते, आस्था है ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना के बाद जिंदगी कहीं सारी चीज़ों से ओवरलोडेड हो गई है, जैसे स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन और अकेलापन। यहाँ तक कि कई तरह की छोटी मोटी नाकामयाबी भी जिंदगी पर हावी हो गई है। ये सारी समस्याएं कई तरह की बीमारियों को जन्म दे रही है। भाग दौड़ वाली दिनचर्या की वजह से हेल्थ और मानसिक समस्याओं में इजाफा हो रहा है। ऐसे में लाइफ में सकारात्मकता का अपनापन बेहद ज़रूरी हो गया है। क्या क्या हो अगर हम इसमें थोड़ी सी जगह किसी पर्पस के लिए बनाएं, यानी किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जो खुशी दे, राहत दे और जीने की चाहत दे। हम रात को सोते हैं तो अपनी ही सारी चिंताओं के साथ ही, लेकिन अगर हम सुबह हम किसी उद्देश्य के साथ जागे तो कैसा होगा, किसी सपने के साथ जागे तो कितना आनंद होगा। आपको इसके लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक वाक्य याद रखना है। सुबह उठते वक्त वेक अप विद द पर्पज, किसी उद्देश्य के साथ अपनी नींद से जागे, किसी प्रार्थना के साथ बिस्तर से उठे। ये उद्देश्य और प्रार्थना किसी के लिए भी हो सकते हैं, खुद के लिए भी या किसी दोस्त, किसी अपने या किसी अनजान के लिए भी जो किसी तकलीफ या परेशानी में हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ ही सुबह नींद से जाग सकते हैं। जीने की ताकत देगा, हमारी उम्मीद बढ़ाएगा। जिंदगी में उम्मीद होगी तो सपने होंगे, सपने होंगे तो जीने का उद्देश्य होगा, और अगर जीने का उद्देश्य होगा तो पर्पज होगा, तो जिंदगी बोझिल नहीं होगी, उसमें खालीपन नहीं होगा। अगर आपके पास पर्पज होगा तो फिर जिंदगी में कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन या कोई अकेलापन नहीं होता है। इसीलिए सुबह अपनी आंखें खोलिए इस छोटे से वाक्य के साथ, वेक अप विद है पर्पस। फिर देखिए चारों तरफ सकारात्मकता के लिए जगह ही जगह होती है, सकारात्मकता की खुशबू ही खुशबू होगी। इसीलिए इस बार सुबह उठे तो साथ में यही संकल्प लें, हरे राम।